नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी आज बहुत बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। दीपक मिश्रा की बेंच ने उसको ऐड किया है। पांच जजों की बेंच ने आज एक फैसला दिया है कि पैसिव यूथनेशिया को अलाउड कर दिया है। ठीक है, मतलब पैसिव यूथनेशिया को फाइनली इंडिया में अब लीगल कर दिया जाएगा और सरकार इसके लिए बहुत ही जल्दी एक बिल लाएगी। तब तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उनमें ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। देखिए, एक्टिव यूथनेशिया का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा रोग हो जाए, आपको नहीं मतलब किसी और को हो जाए कोई ऐसा रोग, कि उसको वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, उसकी वजह से वो खुद भी परेशान है, उसके घर वाले भी परेशान हैं या फिर उसके जो भी रिलेटिव परेशान हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो आप हमको मृत्यु दे दो। मतलब डॉक्टर से बोल रहे हैं कि आप हमको कोई जहरीला इंजेक्शन दे दो, गोली मार दो या कुछ भी कर दो, कि आप एक्टिवली हमको मौत दे दो, कि वो हम चाहते हैं मरना और आप हमको मौत दे दो। ये तो हो गया एक्टिव यूथनेशिया। और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, रेप हो गया है, कुछ हो गया है, कि आप कम बैक नहीं कर सकते हैं, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर को भी पता है, लेकिन आपको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे के रखा है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपका देखिए दिमाग काम करना बंद कर देता है लेकिन जो हार्ट है वो चलता रहता है, तो इसीलिए आपको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में डॉक्टरों ने रखा है। किसी तरह मतलब बस आपकी बॉडी चल रही, कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, और ना आप अगर मान लीजिए कोमा की स्टेज में चले गए, परमानेंटली कोमा की स्टेज में, तो ये होता है पैसिव यूथनेशिया। इसका मतलब ये कि आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे हटा लिया जाएगा ताकि जो आपकी डेथ है वो नेचुरल हो सके। ठीक है, तो पहला ये समझ में आया डिफरेंस। एक्टिव यूथनेशिया मतलब डायरेक्ट गोली मार दो, डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो जहरीला, तो वो है एक्टिव। पैसिव मतलब ये कि आप जिस भी सपोर्ट सिस्टम में रखे गए हो उसको हटा लो, तो वो हो गया पैसिव। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, दीपक मिश्रा जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय, उन्होंने पांच बेंच की जज में, पांच जो जजों की बेंच में ये फाइनल डिसीजन लिया है कि जो पैसिव यूथनेशिया है ये बिल्कुल इंडिया में सबके पास होना चाहिए। देखिए, जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला है, उसमें जैसे जीवन जीने का अधिकार एक हमारा है, खुद का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, वैसे ही उन्होंने बोला है कि अगर कोई बंदा है टर्मिनली इल है वो, तो वो इच्छा मृत्यु भी कर सकता है, मतलब वो जीवन, मतलब राइट टू डेथ विद डिग्निटी भी होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो ये जो 21 वाला आर्टिकल है इसमें राइट टू लाइफ वाला भी आ जाता है, इसमें राइट टू डेथ वाला भी आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये इसमें। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी ये हो गया। अब देखिए, एक चीज दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें बोला गया लिविंग विल। लिविंग विल का क्या मतलब है? विल का मतलब होता है आपने कोई अपनी वसीयत लिख दी। अब लिविंग विल का ये मतलब है कि जब आप होशो आवास में थे तो आप कोई ऐसी अपनी वसीयत लिख सकते हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए कभी मेरी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मैं ऐसी स्टेज में चला जाऊँ या फिर मुझे ऐसा कोई रोग हो जाए, मतलब आप ऐसे एक अपनी विल दे सकते हैं वसीयत, कि अगर उसमें आपको रिकवर करने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो तो आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ना रखा जाए और आपके जो मरने के अधिकार है उसका सम्मान किया जाए, मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी वाले राइट की बिल्कुल आपके सम्मान की जाए और आपके रिलेटिव या फिर कोई भी डॉक्टर आपको फोर्स नहीं करे कि किसी भी तरह बस आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जिंदा रखे। तो ये है लिविंग विल। अब देखिए, इसमें ये है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बोल रहे थे कि इसका मिसयूज हो सकता है, कि इसमें किसी को मतलब ऐसे जबरन ऐसे लिखाया जा सकता है, और अगर लिविंग विल को आपने मान लीजिए ऐसे ही आपने अलाउ कर दिया कि कोई भी घर से भी कर देगा तो फिर तो इसका बिल्कुल मिसयूज़ कर लेंगे। मान लीजिए किसी को अगर किसी का कत्ल करना है तो उससे विल लिखवा लेगा कि हाँ अगर आपको ऐसी स्टेज में ला दिया गया तो आप बिल्कुल हमको मार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और भी कुछ हो सकती हैं, डॉक्टरों से पहले साठगांठ करके और प्लस मेडिकल से जो प्रैक्टिशनर है उनसे करके कि आप उनका सर्टिफिकेट फर्जी बना के, इंडिया में सब कुछ हो सकता है। तो ये लिविंग विल के लिए एक सेफ गार्ड ये रखा गया है कि अभी ये बोला है कि जो लिविंग विल है वो आप मजिस्ट्रेट के सामने ही लिख सकते हैं और प्लस उसमें दो गवाह भी होने चाहिए। तो ये है आपका लिविंग विल। अब ये जो आर्टिकल 21 वाला है, राइट टू लाइफ वाला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाया है। देखिए, 2011 में भी वैसे पैसिव यूथनेशिया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, क्योंकि उस टाइम जो एक
अरुणा शाहबा थी, वो नर्स थी, 35-40 साल से लगातार उनकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही थी और वो पूरी तरह से कोमा में थी वो। तो उनके जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने मांग की थी कि इनको आप पैसिव यूथनेसिया दे दो, और उस टाइम भी की थी, लेकिन उस टाइम कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं की गई थी। अब यह है कि अब आप अपनी वसीयत भी बना सकते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हम वापस ना आ सकें या मैं वापस ना आ सकूं, तो आप हमको, जो हमारे रिलेटिव हैं, उनको मेरे इस फैसले का सम्मान करना पड़ेगा और हमको पैथिव यूथनेसिया दे दिया जाएगा, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हमको ना जिंदा रखा जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके प्रोज यही हो सकते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई नहीं जी रहा है, ठीक है, उसको आपने ज़बरदस्ती, मतलब वो बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकता है, एक मेडिकल एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वापस नहीं आ सकते हैं, फिर भी उनके रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी उनके चाहने वाले लोग हैं वो उनको किसी तरह लाइफ सपोर्ट में जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी है उस पर लगातार एक तरह से ये अत्याचार हो रहा है कि उसको ज़बरदस्ती आप उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको मतलब किसी भी तरह लाइव करे हुए हैं। अगर वो अंदर कहीं वैसे तो कोमा में चला गया, लेकिन फिर भी वो नहीं चाह रहा है ऐसे, अगर आप देखें वैसे कि मतलब ज़बरदस्ती ऐसे जीने से क्या फ़ायदा कि आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो सकती है कि मतलब जो उसको लगातार पेन हो रहा है तो अपने हिसाब से आदमी मर तो सकता ही है, ठीक है, ये बात है। इसमें कौन सा वाला मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इसको, जैसे अभी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इसके लिए लॉ बनाइए, प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस दीजिए कि लिविंग विल किस किस कंडीशन में आप बना सकते हैं, प्लस जो पैसिव यूथनेसिया है उसको किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। अब एक बात यह है कि मान लीजिए आपने लिविंग विल नहीं बनाई और आप फिर भी ऐसी कंडीशन में चले गए कि आप वापस नहीं आ सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते हैं, मेडिकल आपके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये सब चीज़ें पूरा बाकायदा सर्टिफाई कर दी कि अब आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो भी उसके रिलेटिव होंगे, ठीक है, उनके साथ उनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में और फिर वो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, फिर वो ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ इनकी कंडीशन ऐसी कि वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो ये वापस नहीं आ सकते हैं तो इनको पैसिव यूथनेसिया दे दिया जाना चाहिए। अब इसमें ये 2011 में मैंने आपको बताया अभी कि जो एक अरुणा शाहबाग थी उनको उस टाइम पे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था क्योंकि वो 35-40 साल से पैसिव यूथनेसिया की में पड़ी थी, ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं इसमें। और एक कॉमन कॉज करके एक है आपका एनजीओ, उसी ने ये काफ़ी दिनों से ये सब डिमांड उठा रखी है, तो ये काफ़ी बड़ा फैसला आया और 5 जजों की बेंच ने दिया है 9 मार्च 2018 को, बहुत बड़ा फैसला है ये, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया में जो एक्टिव यूथेनेसिया है वो अभी भी अलाउड नहीं है, मतलब कि आप अगर मान लीजिए नहीं जीना चाहते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी एक दंपत्ति ने, मतलब एक हस्बैंड वाइफ ने ऐसा बोला है कि उनके कोई औलाद नहीं है, जबकि वो एकदम हेल्दी भी हैं और मतलब उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि आप एक्टिव यूथनेसिया हमको दे दो, मतलब मार दो हमें। तो ये सब चीज़ें, ये इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है और बहुत सारी बहस चलती रहती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक्टिव यूथनेसिया को भी अलाउ करना चाहिए क्योंकि राइट टू जो लाइफ वाला है, मतलब जीवन जब जीने का अधिकार की बात करेंगे 21 में, तो उसमें मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो मतलब एक किसी का जिंदगी जीना या किसी का नहीं जीना, ये उनका खुद का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो कि, या फिर मतलब कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी से ऐसा करवाया जाए, तब तो बात अलग है, लेकिन किसी को अगर मान लीजिए नहीं वो जीना चाहता है, जैसे सुसाइड की भी बात अगर आप करें तो सुसाइड भी एक तरह से यहाँ पे इंडिया में एक आप मान सकते हैं कि ये एक जुर्म है कि अगर आपने आपको सुसाइड करते पकड़ लिया गया तो 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है। तो ये सुसाइड वाली चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लोगों के अलग अलग डिफरेंट व्यू हैं, कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए, कोई कहता है होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत हर चीज़ों के व्यूज़, मतलब मल्टीफेसेटेड व्यू पता होने चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं, सब चीज़ों में प्रोज कौन सब ढूंढने हैं। वे फॉरवर्ड इसका यही हो सकता है कि ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि पैसिव यूथनेसिया काफ़ी सारी यूरोपियन जो एडवांस कंट्री है, नॉर्वे और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बिल्कुल अलाउड है। इंडिया में अभी तक भी, वैसे 2011 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन अब पूरी तरह से लॉ एकदम बन के बिल्कुल बाकायदा कायदे कानूनों के साथ अब आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दे दी हैं। देखिए आप भी अपने इसमें व्यूज़ लिखिए कि
मतलब आपके हिसाब से क्या एक्टिव यूथनेशिया को भी अलाउ करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो एक्टिव यूथनेशिया भी बिल्कुल होना चाहिए तो आर्टिकल 21 में। और देखिएगा अभी जैसे जैसे 21 को ये धीरे धीरे इंटरप्रेट करते जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। आर्टिकल 21 मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप देखें तो इसमें कितने सारे राइट्स हैं। जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, कितनी सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक्टिव यूथनेशिया को भी अलाउ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स में, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई और अगर आपका डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये एक छोटी सी एनालिसिस थी।